दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। जैसे पैर हो, हाथ हो, कहीं भी चोट लगने से, एक्सीडेंट करने से, गिर जाने से जो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर एक डीप फ्रैक्चर होता है और एक हेयर क्रैक होता है, थोड़ा डीप क्रैक होता है। किस टाइप का क्रैक है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, आज इसी पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए चोट लग गया होगा और मोच आ गया होगा, स्प्लिन हो गया होगा, तो चोट के कंडीशन में उसका हम वीडियो पूर्व में बना चुके हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए इसमें थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बता दें आपको। तो जैसे सडनली चोट लग करके मोच हो गया होगा, तो मोच और चोट के लिए अर्निका और रूटा काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। तो चोट लग के मोच हो गया होगा, स्वेलिंग हो गया होगा, काफ़ी पेन कर रहा होगा, उस कंडीशन में अर्निका और रूटा दोनों को 10-10 मिनट के अंतराल पर आप लेंगे 30 पावर में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो फ्रैक्चर ठीक हो, सॉरी वो चोट मोच आपका ठीक हो जाएगा। इसका वीडियो हम पूर्व में बनाए हुए, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मेन मुद्दा पर, जो फ्रैक्चर क्रैक हो जाने पर डॉक्टर प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर लगाने के बाद तो उसमें दो कंडीशन होता है, माइनर फ्रैक्चर और मेजर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किस टाइप का है, लेकिन दोनों ही टाइप में ये दवा जो आज हम बताने जा रहे हैं काफ़ी अच्छा काम करेगा दोस्तों। चोट भी है, फ्रैक्चर भी है और साथ में पेन भी कर रहा है, दर्द भी कर रहा है, तो उस कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस काम के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जो है काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। सिम्फाइटम क्यू में भी आप ले सकते हैं, मदर टिंचर में, या पोटेंसी में ले सकते हैं दोस्तों। तो पोटेंसी में ले तो 200 पावर में ले सिम्फाइटम को, दो दो ड्रॉप 3 बार ले, इससे काफ़ी अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। हड्डी के जोड़ने में काफ़ी सहायक मेडिसिन है, काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इससे हड्डी को तुरंत जोड़ेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, तो आप एक्सरे करा करके फिर देख सकते हैं। तो सिम्फाइटम क्यू यदि ले रहे हैं तो 20 ड्रॉप थोड़े से पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेंगे। साथ में यदि दर्द हो, अधिक दर्द हो, तो उसके साथ फिर रूटा जी आप लेंगे, रूटा जी 30 या 200 पावर पोटेंसी में, वो भी दो दो ड्रॉप 2 बार 3 बार 4 बार लेंगे, दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मेनली सिम्फाइटम और एक्चुअल कैल्शियम का भी उसमें सपोर्टिंग चाहिए, तो कैल्केरिया फॉस 6x में आप उसको ले सकते हैं। तो सिम्फाइटम और कैल्केरिया फॉस, यदि दर्द हो तो रूटा जी 200 पोटेंसी में मिक्स करके 10-10 मिनट के अंतराल में, 15 मिनट के अंतराल में आप उसको लेंगे, तो काफ़ी अच्छा हड्डी जोड़ने में सपोर्टिव मेडिसिन है, काफ़ी जल्दी आपका फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा दोस्तों। स्वेलिंग होगा तो स्वेलिंग ठीक हो जाएगा, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। और कैल्केरिया फॉस 6x में लेना है, उसको 4-4 गोली 3 बार लेना है, मुंह में रख कर के चूस के खाना है। अभी आप पर डिपेंड करता है, आप इसको जर्मन डॉक्टर एक्वेक का लेंगे या SBL के लिए या स्वाबे का ले, किसी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन जर्मन डॉक्टर एक्वेक का काफ़ी बेटर रिजल्ट रहता है। तो आप कोई भी आप ले सकते हैं होम्योपैथी दुकान दवा शॉप से। तो दोस्तों आज हम आपको फ्रैक्चर के बारे में बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपसे आग्रह है। और अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।
तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।